हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शो कटक रिएक्शन। मैं हूं शाविस मोहम्मद इनायत। ओके, सो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, आई डोंट नो इन्होंने डिसाइड किया है, दैट्स कॉल्ड खुफिया। यस, खुफिया दरवाजा। इट्स नॉट खुफिया दरवाजा, इट्स जस्ट खुफिया। इट्स अ टीजर। विशाल भारद्वाज इज द एक्टर इन दिस। विशाल भारद्वाज शायद एक्टर हैं या फिर देखते हैं ट्रेलर। सबसे पहली बात तो क्या है कि नेटफ्लिक्स, जैसे कि हमने बात की थी बहुत दिनों से कि इट वॉज वेरी मच बिहाइंड अमेजोन प्राइम कुछ दिनों से। कंटेंट की अगर बात करें तो अमेजोन प्राइम जो एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, हालांकि नेटफ्लिक्स के बाद आया अमेजोन प्राइम, लेकिन इट वॉज इन द लीड। पहले से ही एक एडवांटेज था कि वो पहले से यू नो ही हैड लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड ऑल्सो उसके पास बहुत सारा कंटेंट था, बट आई थिंक अमेजोन ने उसे टेक ओवर कर लिया ऑलरेडी। एंड राइट नाउ हम लोगों ने बहुत वीडियोस में कहा है कि नेटफ्लिक्स हैव टू यू नो डू ए कमबैक अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ, एंड आई थिंक ये मौका है। एंड यू नो दिस तुड़ुम, ही जस्ट टोल्ड मी दिस के आई डोंट नो व्हाट इज तुड़ुम, सो ही टोल्ड मी के वो नेटफ्लिक्स ओपन करे तो आता नहीं, तुड़ुम कर को बस तुड़ुम, ही सेड लाइक दैट। या वो एक उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, थोड़ा सा उसको इंडियन देना है उसको। तुड़ुम मतलब जो भी नेटफ्लिक्स से ट्रेलर आते हैं उसको तुड़ुम कहते हैं वो। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले बहुत ज़्यादा लीड से आगे बढ़े हैं ये। हालांकि एक एडवांटेज ये था अमेज़न प्राइम के पास कि इनके जो सब्सक्रिप्शन था इनका वो उतना महंगा था नहीं, सिर्फ 999 में आपको पूरा मिलता है, आपको आज भी वही है, वेराइज नेटफ्लिक्स को आपको 800 रुपये देने पड़ते हैं महीने के। तो इसी वजह से शायद उनकी एक लीड थी वहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं कंटेंट में भी वो बहुत आगे चले गए थे। इसी बीच में आई थिंक नेटफ्लिक्स वाज वर्किंग ऑन दिस, लाइक दे टुक इट वेरी वेरी सीरियसली। इट्स नॉट जस्ट दैट कि वो उसको नज़रअंदाज कर रहे थे, इसलिए बहुत सारा अच्छा कंटेंट लेके आए। इनफैक्ट क्या है कि सारा बॉलीवुड अभी यू नो दे हैव कम ऑन नेटफ्लिक्स एंड दे कम ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, एंड दैट्स रियली रियली गुड, दैट्स अ वेरी गुड साइन एक्चुअली। तो अभी क्या है कि विशाल भारद्वाज जैसे बड़े म्यूजिक बड़े डायरेक्टर भी, और हाँ कहते हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं ये, सिंगर भी हैं ये, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं, और इनका कंटेंट अगर इनको फ्री हैंड दिया जाए तो पहले ही बोला था कि बहुत कुछ कर सकते हैं ये। तो आज आई गेस कि वही हुआ है कि देखना है क्या होता है खुफिया, हमको कुछ नहीं पता इसके बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है खुफिया। इसमें अली फजल है, तब्बू है, वामिका गबी है, वामिका गबी, हाँ। आई डोंट नो कि विशाल भारद्वाज जिसके डायरेक्टर हैं या फिर इसमें एक्ट भी कर रहे हैं, अगर ये एक्ट कर रहे हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा इनको देखने के लिए, बिकॉज वी ऑल नो कि हाउ गुड एक्टर डायरेक्टर ही इज, कमीने एंड ऑल। ओके, सो रिस्तार दी रिएक्शन, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, नोटिफिकेशन जरूर कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट, एंड यू कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, इसकी डिटेल्स हमने दिए हैं। यस, 2004 ट्रेन सर्विस ऑफ इंडिया, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट। ओके, इंटेलिजेंस सर्विस ऑफ इंडिया, खुफिया। हाय हाय हाय, हमारा ट्यून है। अली फजल नहीं क्या? साउथ इंडिया पे फोकस है यार। ओह, टॉप सीक्रेट था वो, टीएस का मतलब टॉप सीक्रेट था वो, जो किचन में था। आ यार, नाउ इट्स वो आशी विद्यार्थी भी हैं यार। ही स्लीपिंग देयर, टेकिंग ज़ेरॉक्स फॉर आईज ओनली। वो सिर्फ मेरा नहीं, तब्बू वॉइस पूरे देश का गद्दार है। ओ इसके पंगर भाई अमर भूषण। आई थिंक काफी अरसों के बाद हमें कोई नेटफ्लिक्स का एक अच्छा कंटेंट का यू नो सब देखने को मिला है यार। Expectations तो हाई हैं, obviously. Expectations हाई हैं, and I just love the cinematography. It was amazing. It was very well choreographed. And I think direct, you know, विशाल भारद्वाज का हमेशा से एक फंडा रहा है,
जब भी उनकी कोई फिल्में आती है ना, सो उनका जो कलर ग्रेडिंग होता है या फिर डायरेक्ट यू नो डायरेक्शन होता है, फिर द फ्रेम्स ही यूज या फिर वॉट एवर इट इज, सो बहुत ही यूनिक होता है, बहुत यू नो ही थिंग्स लाइक के यू नो कुछ वो ऐसा करते हैं जो कि लोग सोच नहीं सकते. यू रिमेंबर शाहिद कपूर रनिंग हॉर्स में कमीने में दैट सीन, दैट फ्रेम, दैट यू नो दैट कलर ग्रेडिंग, यू नो. एंड ऑल्सो आई लव द होल पिक्चर्स का पिक्चर का कलर ग्रेडिंग जो कमीने में उन्होंने यूज़ किया था. सो आई थिंक वो थोड़ी यहाँ फील दिख रही थी उनमें. उसके साथ साथ क्या है कि विशाल भरद्वाज हैज़ अ वेरी गुड आई ईयर्स फॉर म्यूजिक. हाँ, ही इज ऑल्सो अ ग्रेट कंपोजर. उनके फैक्ट इनफैक्ट एक मूवी आई थी इश्क है बोल के, आई डोंट रिमेंबर द नेम यार, रंगून शायद कंगना की थी. रंगून की सिनेमाटोग्राफी, वो बोलते हैं कि खुद उनको जो क्रिएटर्स उनको बताया कि कैसे करते हैं विशाल भरद्वाज जी, हाउ कैसे सिनेमाटोग्राफी कैसे लाते हैं कि इस तरह से कैसे बना दिखाते हैं ये, और इसको स्टोरी में फिट करते हैं, डार्क कॉमेडी हो जाए वो. अगर डार्क कॉमेडी की बेस्ट अगर बात करें तो कमीने वॉज द इनिशियल फ्यू डार्क कॉमेडी मूवीज जो थे जो इनिशियल आई थी कमीने. तो यहाँ पे खुफिया एक आई है, तो लेट्स सी कैसा होता है ये. मुझे तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन है ऑब्वियसली, हद से ज्यादा है, बिकॉज इट्स लुक वेरी इंटरेस्टिंग. एंड आई डोंट थिंक विशाल भरद्वाज यहाँ पे एक्टर के तौर पर आ रहे हैं, आई थिंक ये डायरेक्टर कास्ट में दिखाया गया था. ही इज द ओनली सीनियर गाय आई थिंक तब्बू के बाद, तब्बू के अलावा, सो दैट्स व्हाई उनका नाम पहले दिया गया यहाँ पर. बट आई नो अली फजल का जो लुक था यहाँ पर, एंड जो तब्बू की आवाज थी पीछे, वो सिर्फ मेरा ही नहीं इस पूरे देश का गद्दार था. एंड दिस गद्दार, इस गद्दार की कहानी देखने में मजा तो बहुत आएगा. टॉप सीक्रेट के सीक्रेट पता है कि विशाल भरद्वाज कभी कोई भी किसी टॉपिक को लेके वो उसको खाली नहीं छोड़ते, उसको अधूरा नहीं छोड़ते. ही ट्राइज टू एक्सप्लॉइट दैट अपॉर्चुनिटी जो भी उठाते हैं वो. वही किया था उन्होंने विद द मूवी, कौन सी मूवी थी वो, हैदर की जो आइकॉनिक सीन लिखी गई थी लाल चौक के पास, हम हैं कि नहीं है, वो जो सीन जो शूट की थी वो सीन, मतलब लिखना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी वो. या द क्लाइमैक्स सीन. हाँ, द क्लाइमैक्स सीन. और उस जगह पे शूट करना, इतने सेंसिटिव एरियाज में वहाँ पे शूट करना, विशाल भरद्वाज ने वो काम किया था उस जमाने में ऐसी जगह. एंड एक्चुअली बोला गया था मुझे, आई वॉज टोल्ड कि जब वो जो सीन हुई थी हम हैं कि नहीं है जो लाल चौक में शूट हुई थी, वो उस टाइम पे एक्चुअली कर्फ्यू लगी थी वहाँ पे. एक्चुअली कर्फ्यू थी, कर्फ्यू में उन्होंने परमिशन लेके कुछ कश्मीरियों को लेके उन्होंने ये सॉन्ग शूट किया था. अदरवाइज वो सीन शूट किया था, अदरवाइज वहाँ पे ऐसी तरह के ऐसे सीन, सेंसिटिव सीन शूट करना ही बहुत ही बड़ी बात है. विशाल भरद्वाज इज समवन हु पुल्स ऑफ समथिंग वेरी इंपॉसिबल. ये एक हिसाब से यू नो एक जर्नलिस्ट हैं जो कि फियरलेस हैं, जो कि बेबाक बनाते हैं मूवीज अपनी. तो आई थिंक दिस इज व्हाट ही हैज डन हियर आल्सो खुफिया में. लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सपेक्ट. ही इज द वन जो कि यू नो वो बोलते हैं ना, तराश के हीरा निकालना. यू नो मुझे याद है कि जब शाहिद कपूर का डेब्यू हुआ था, तो उनके बाद जैसी उनकी फिल्में आ रही थी, ही यूज्ड टू लुक लाइक अ चॉकलेट बॉय, बहुत ही ऐसा लड़का जो कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते. लेकिन शाहिद कपूर ने वो एक्सपेरिमेंट किया, ओके, और फिर शाहिद कपूर में से वो निकाला उन्होंने, जो आई थिंक शाहिद कपूर का जो एग्जैक्ट टैलेंट है ना, चाहे वो कमीने हो, हैदर हो, रंगून हो, देयर वी सॉ द रियल शाहिद कपूर. रियल शाहिद कपूर यार. यहाँ पे क्या है कि आई थिंक नॉट ओनली द शाहिद कपूर, द अदर एक्टर्स यू नो जिसे उन्होंने लॉन्च किया है. विशाल भरद्वाज शाहिद कपूर के लिए विशाल भरद्वाज वो हैं जो कि रणवीर सिंह के लिए संजय लल्ला भंसाली थे. हाँ, जिन्होंने शाहरुख खान के लिए यशराज थे. हाँ, तो शाहिद कपूर के लिए विशाल भरद्वाज थे. बट आई थिंक वो बहुत अरसे के बाद दूसरे लोगों के साथ काम कर रहे हैं शाहिद कपूर को छोड़ के. या सो या दिस गोना बी इंटरेस्टिंग. आई थिंक वो भी नए नए लोगों के साथ काम कर रहे हैं. सो या एंड आई होप कि ऐसे म्यूजिक भी हो यार. आई डोंट नो, देयर आर सम डायरेक्टर्स जिनके साथ एक नाम, जो डायरेक्टर का नाम लेते हैं तो एक एक्टर का नाम आ जाता है. एग्जैक्टली, ट्रू ट्रू ट्रू, इट्स सिनोनिम होता है वो. व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट शाहिद कपूर इज बिकॉज विशाल भरद्वाज का नाम लिए तो शाहिद कपूर ही डेफिनेटली आता है. जैसे कि वी गिव द एग्जांपल, शाहरुख खान एंड यशराज, एंड वी कैन टेक करण जौहर एंड शाहरुख खान आल्सो. करण जौहर एंड शाहरुख खान इन व्हाट वे यार. अच्छा छोड़ो, आई थिंक वो हमें कॉफी करण में क्लियर हो गया था व्हाट वे करके. हां, I remember. If you don't know, just watch the rapid fire round. Good sport, हाँ. Okay. वैसे भी करण जौहर ने OTT, Big Boss OTT में सब कुछ बजा बता दिया है actually. We all know. अच्छा. I'm not following. Anyways, okay. So yeah, quite excited, and this was an amazing teaser actually. तुड़ूम. मैं इतना बुरा सिंगर हूँ कि मैं तुड़ूम भी सीधे नहीं बोल पा रहा हूँ. सीख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं. तो चलिए आज के लिए इतना ही. तो किसी अगले नेक्स्ट के बहुत सारे टीजर्स आए हैं. बात लाइक जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट. और आप
हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जिसके डिटेल्स हमने यहाँ पे स्क्रीन पे दिए गए हैं। तो अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हम यू नो एनर्जी एनर्जी एनर्जी, अगर आप देखना चाहते हैं कि हम वीडियोस के अलावा और क्या क्या करते हैं, तो प्लीज हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, जिसके डिटेल्स यहाँ पे हमने दिए हैं। और मोर एंटरटेनमेंट फन के लिए इस कंटेंट क्या करते हैं या तो फॉलो कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल, देखते रहिए और लाइक करते रहिए, जो भी करना है करते रहिए। तो अभी अभी के लिए इतना ही करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, जो भी मत कीजिए आप। क्या क्या बोलते हो यार, जो भी थोड़ी शर्म करा किया, जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे। बिगड़ गया है बच्चा, बिगड़ गया, माता लाडला बिगड़ गया, लाडला। ओके एनीवेज, सो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट, यू कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, इसकी डिटेल्स हमने दिए हैं। दिस इज मोहम्मद शावीज, मोहम्मद इनायत साइनिंग ऑफ।